हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड पिथौरागढ़ के लेलू गांव से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, और हम लोग तैयार हुए हैं अभी मंदिर जाने के लिए। आज मंदिर में नौनागी चढ़ने वाली है, मतलब नौनागी मतलब जो नई फसल हुई है गेहूं की, उसका भोग पहले भगवान जी को लगाएंगे, उसके बाद नया अन्न हम लोग चखेंगे। तो चलते हैं मंदिर के लिए। तो देखिए, माँ ही भी तैयार हो चुकी है मंदिर जाने के लिए, झाड़ू पकड़ा है और ये पन्नी पकड़ेगी, और बाकी के सभी लोग चले गए हैं। 2 बाल्टियाँ मेरे हिस्से में हैं मंदिर के लिए ले जाने के लिए। तो चलते हैं अभी मंदिर के लिए। तो दोस्तों, ये रहा हमारा मंदिर, और यहाँ पे जनता पार्टी ज़्यादा होने की वजह से और चूल्हे इस साइड को लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा मंदिर, और इसी मंदिर में होती है पूजा लगा के नौनागी चढ़ाई जाती है इस मंदिर में। तो देखिए, यहाँ पहुँच गए हैं सभी लोग, धीरे धीरे आ रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे बने हैं चूल्हे, लगाई। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे गूंदने लग गए हैं आटा। दोस्तों देखिए, जिनकी बकरी है आज मंदिर में, बकरी लेके ढोलियों के साथ आ गए हैं। ये देखिए, 6 बकरियां हैं आज मंदिर में पूजा के लिए। अरे दादा, अंडा पकड़। ओ मिस ऊपर ली हो, हम उस पार में गए। ओए ठीक हो रही है, उल्ला सवाल पे यार नहीं ला रहे, उल्ला की नहीं सर, यार उसी का पैदा नहीं था। तो दोस्तों देखिए, शुरुआत होने लग गई है। ये देखिए, यहाँ पे बना रही है रेखा चाची शेर। ये देखिए,
और जानकी दी बना रही है हमारे बनाने लग गई शेर। अरे बनाने लग गई ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है, ये देखिए इतने बड़े बड़े शेर बना रही है ये, यहाँ पे बना दिए हैं। ये देखिए दीदी लोगों के शेर है ये, जानकी दी नहीं बनाए, दीदी लोग भी आए हैं देखिए पूजा में, दीदी लोगों की पूजा है। और यहाँ पे बैठी है अम्मा, बाकी वहाँ बना रहे हैं शेर। ये देखिए सुमन बना रही है शेर, आरी सिले गजा बनाने की तैयारी हो रही है यहाँ पे, और बुआ लोगों ने डाल दिए हैं माज में, और ये ढोली उछली मेरे को डाल दिया। कमा ली भाई डाल दे को यहाँ गजा बन रहा है, और इसमें बना दिया है भाभी पूरियां, गरम हो गया यहाँ पे बेल रहे हैं पूरियां। ये गाइस वहाँ से यहाँ तक इतने चूल्हे लगे हैं, और थोड़े चूल्हे उस साइड लगे हैं। आमा बना रही है अब गजा, और ये देखिए सारे सेल बन के रेडी हो गए हैं। और किस चीज से बनता है हमारे चावल के हाथ से? क्यों बना रही है लगभग गजिया के लिए जूदा जा रहा आटा, वहाँ पे बना रही है चाची सब्जी। कितना अच्छा कलर आ गया है, और बुआ लोगों का वहाँ पर है, और यहाँ पे भी गजा डाल दिया है, उधर सब्जी। देखिए पहले ऐसा होता है ये, और पकने के बाद ऐसा कलर ऐसा, देखिए वो पक चुका है, ये नहीं पका है, और ये अभी डाला गया है। भूमिया देवता की बोलो, भगवती मैया की जय। अकेले की आवाज आ रही निकल जा रही है, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। एक और बार बोलो भूमिया देवता की जय, बोलो भगवती मैया की जय। Thank you.
कर रहा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे खाने खाना खाने लग गए हैं, खाने की हो गई है मतलब तैयारी। बैठा है लौरा और यहाँ पे खा रहे हैं बच्चे। अरे तो दोस्तों यहाँ पे बैठा है लौरा और लौरे में खा रहे हैं और लेडीज लोग ये देखिए और बच्चों का लौरा इधर बैठा है। ये देखिए हमारी दीदी खा रही है, पका है खाओ फिर खाओ। तो दोस्तों खाना खा लिया है और यहाँ पे धो रहे हैं अभी बर्तन लेडीज हैं देखिए। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 7:45 और मंदिर से हम लोग आ गए थे जल्दी। मंदिर से आने के बाद मैं गई थी गांव में प्रसाद बांटने के लिए और वहां से आने के बाद गाय बच्चों का दूध निकाल के मैं आ गई हूँ नीचे। और आज खाना कोई खा नहीं रहा है क्योंकि अभी मंदिर में खाया था, बस दूध ही गर्म कर रही हूँ मैं और दूध गर्म करके बस दूध देना है बच्चों को। और दोस्तों पूजा हमारी आज हो चुकी है, बहुत ही अच्छी पूजा हुई थी। यहाँ बकरियाँ भी थी, 6 बकरियाँ थी और हम लोग गए थे नौनागी चढ़ाने के लिए भूमिया को। वो पहले सबसे पहले भूमिया भगवती को वो भोग लगाया जाता है गाँव में और उसके बाद बाकी देवताओं की बाद में होती है पूजा। तो दोस्तों नौनागी चढ़ाने का कार्यक्रम आज शुरू हो चुका है आज से। और जो 6 महीने की फर्स्ट खेती होती है पहले यहाँ सर्वप्रथम भोग यहाँ लगता है भूमिया देवता को, अशौच का हो या ये चौमास का, पहले भूमिया देवताओं को लगाया जाता है उसके बाद अन्य देवताओं को इसका भोग लगता है। और दोस्तों अब वीडियो की समाप्ति भी यहीं पे कर देते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।